यही किष्किंधा नगरी है, तो मुझे यही नीचे उतरना होगा। वानरराज बाली, बाहर निकल। दशानंद रावण तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। युद्धम देही बाली, बाली किष्किंधा नरेश बाली। अच्छा तो तुम हो बाली? मैं किष्किंधा नगरी का सेनापति हूँ। तो बाली ने तुम्हें क्यों भेजा है? क्या वो स्वयं मेरे सम्मुख आने से भयभीत हो गया है? अपनी जीवा को लगाम दो आगंतुक। तुम हमारे स्वामी को नहीं जानते आगंतुक। सर्वप्रथम तुम अपना परिचय दो। मेरा परिचय? मैं हूँ त्रिलोक विजेता दशानन रावण। वानर नरेश बाली बहुत बड़े योद्धा हैं। मैं उनसे युद्ध करने आया हूँ। युद्ध? महाराज बाली के साथ युद्ध करने की तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अभी हम किए देते हैं। आक्रमण! तुम लोगों ने मेरी युद्ध करने की इच्छा और तीव्र कर दी। बताओ बताओ वानरराज बाली कहाँ है? समुद्र तट पर भक्ति वंदना कर रहे हैं। सागर तट पर? बाली रावण, तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। बड़े मूर्ख और अज्ञानी हो तुम। तुम्हारे माता पिता ने इतनी शिक्षा भी नहीं दी तुम्हें कि ध्यान, शयन और भोजन के समय किसी को विचलित नहीं करते। मैंने तो केवल एक ही शिक्षा पढ़ी है और वो है युद्ध। युद्ध करने की तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी और सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। फिर तुम कभी युद्ध करने के योग्य नहीं रहोगे। किंतु मेरी संध्या पूजा पूर्ण तो होने दो। तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। मैं समझ चुका हूं कि तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। तुम मुझसे भयभीत होकर पूजा अर्चना का बहाना बना रहे। यदि है हिम्मत तो मुझसे युद्ध कर। युद्ध? मैं दशानंद रावण तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। बाली युद्ध करो। युद्धम देही। बलहीन साहसहीन, तुम जानते हो यदि तुम मुझसे युद्ध करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम मुझसे भयभीत हो रहे हो। यदि है साहस तो उठ जाओ, उठ जाओ। रावण! रावण!
अब इसी प्रकार बंदी बनकर तब तक मेरे साथ घूमता रहे जब तक मैं संध्या परिक्रमा पूर्ण नहीं कर लेता। क्यों रावण? बोलो लंकापति, मुझसे युद्ध करोगे? मैंने आप जैसा वीर आज तक नहीं देखा। आप तो बलवानों के भी बलवान हैं। जाओ अपनी लंका लौट जाओ, फिर कभी किसी कंधा की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना।